हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेक्सॉन फेसलिफ्ट फाइनली आ गई है और हर कोई पूछ रहा है कि उसके वेरिएंट्स कैसे हैं, क्या उसकी प्राइसिंग रहने वाली, किस वेरिएंट में कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा और इतना ही नहीं क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नेक्सॉन के सबसे चहीते वेरिएंट की, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलने वाला, डिमांड जिसकी रहने वाली वो होने वाला है इसका बेस वेरिएंट, जिसका नाम है स्मार्ट। अब स्मार्ट वेरिएंट जो प्राइसिंग की स्पेसिफिकली बात करें, अभी जो बेस वेरिएंट आता है 7.990 लाख के शोरूम प्राइस पर अवेलेबल था, लेकिन अब जो न्यू नेक्सॉन आएगी ऑफकोर्स थोड़ी सी प्राइस तो उसकी बढ़ाएंगे, तो 8.2 से लेकर 8.3 लाख इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन उसमें मिलता क्या है वो बता देता हूँ। 14th of September को इस व्हीकल के प्राइसिंग जो है सामने आ जाएंगी, ड्राइव रिव्यूज आने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे और आ जाएंगे, तो प्रॉपर वीडियोज आपके लिए इस चैनल के ऊपर भी अपलोड होती रहेंगी एक एक वेरिएंट की, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले एक चीज ये डिस्कस कर रहे थे कॉमन क्या है, तो इंजन के बारे में बात करें। अब इस स्मार्ट वेरिएंट में ध्यान रखें डीजल इंजन ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल से ही शुरू होता है और पेट्रोल ही मिलेगा आपको, जो कि है 1.2 लीटर का पेट्रोल 3 सिलेंडर अनफॉर्चुनेटली टर्बोचार्ज इंजन। अब इसकी पावर और टॉर्क अच्छी है लेकिन नॉइस भी कुछ ज़्यादा ही है। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। लेकिन अब देखो हम कॉस्ट की कहीं ना कहीं बात कर रहे थे, तो अभी जो नेक्सॉन 7.99 पे है वो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। अभी 5-स्पीड मैनुअल होता तो थोड़ी प्राइस सेम भी रखी जा सके, तो दिस इज अ वेरी हाई चांस कि 7.99 ही इसकी प्राइस रखी जाए, बिकॉज 5-स्पीड मैनुअल है। फीचर्स जरूर बढ़े हैं लेकिन ट्रांसमिशन एक गियर कम हो गया, तो उससे रिफाइनमेंट और माइलेज का भी फर्क पड़ेगा वैसे अगर हाईवेज की बात करें तो। अब हाईवेज पे इसकी मतलब एक्सपेक्टेड माइलेज इज लाइक 15-16 और सिटीज़ में 10 से 11 के बीच में आप इसकी माइलेज कंसिडर कर सकते हो। 195/60 R16 के स्टील व्हील्स मिलेंगे विदाउट दी कवर, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। और ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो टॉप वेरिएंट की 208 है, लेकिन अब टायर साइज छोटा है, रूफ रेल्स वगैरह का वेट और इवन सस्पेंशन का तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो बेस वेरिएंट में कंपैरेटिवली कुछ mm कम होगी। पावर जो है वो जनरेट, जो टॉर्क जो है वो 1750 RPM से कंपनी कहती शुरू हो जाती है, बट जब हमने इसको ड्राइव किया, जिसका ड्राइव रिव्यू किया था, तो इट्स ओके, लाइक अच्छा इंजन है, पावर वाइज नॉइस बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, हार्शनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है। ड्राइव मोड्स आपको बेस से शुरू हो जाते हैं, इको सिटी स्पोर्ट्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बताना चाहूँगा कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक, सारे वेरिएंट्स में बेस हो चाहे जौन सा मर्जी हो वो आपको फ्रंट में डिस्क मिलेंगी, रियर में आपको डिस्क नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 44 लीटर्स की, बूट स्पेस आपको 382 लीटर्स की मैसिव मिल जाती है, अब ये चीज़ अच्छी है। रही बात कलर ऑप्शंस, अब बेस में आपको कलर्स कौन से मिलते हैं, एक तो ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स आपका वाइट जो है, प्रेस्टीन वाइट जो हर किसी को पसंद आता है, सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी को सेल किया जाएगा, तो प्रेस्टीन वाइट, फ्लेम रेड और ग्रे, ये 3 कलर ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब बेस वेरिएंट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो। और इंटीरियर जो है वो आपको ब्लैक मिलेगा, ब्लैक अपहोस्ट्री के साथ। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, अब अच्छी चीज़ ये है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सब कुछ आपको बेस में मिलेगा। LED हेडलैम्प्स विद DRLs, ध्यान रखें प्रोजेक्टर नहीं होंगे, ये एक रिफ्लेक्टर पॉइंट से होंगे, लेकिन LED होंगे तो अच्छा लगेगा। LED ही टेल लैंप्स मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें अगेन बीच में कनेक्टिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेल लैंप जो है वो आपको LED ऑफर किया जा रहा है। मल्टी ड्राइव मोड्स मैंने बताया, इको सिटी स्पोर्ट्स, 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, जो कि टॉप वेरियंट वाला स्टेयरिंग व्हील है, सेम आपको मिल जाता है बेस वेरियंट, बस ध्यान रखें कि बीच में जो ग्लास है ना वो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आ रहे हैं लोगों के। 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिखने में तो अच्छा लग रहा है, और टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो जब गाड़ी ऑन करते हो तो वो लोगो भी जगमग जगमग हो जाता है। फ्रंट में पावर विंडोज मिलेंगी, रियर में पावर विंडोज नहीं है, मैनुअल रहेंगी, रिवर्स गाइडिंग सेंसर्स यानी कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट से मिल रही है, हिल होल्ड भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, टिल्ट एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, टिल्ट ही है, कोलैप्सिबल का एक डिफरेंट फंडा है वो किसी दिन आराम से एक्सप्लेन करेंगे। वैनिटी मिरर ऑन को ड्राइवर साइड आपको ऑफर किया जाता है विदाउट द लाइट, और पावर आउटलेट ऑन फ्रंट कंसोल जो कि 12 वॉट का सॉकेट है। तो ये आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में। अब अच्छी चीज़ जो मुझे लगी हुई है कि 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे फंक्शंस आपको बेस में मिल रहे हैं, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज, 5-स्पीड मैनुअल के साथ, जहाँ पर रिफाइनमेंट माइलेज थोड़ी थोड़ी और कम हो जाती है, स्पेसिफिकली हाई स्पीड्स पे जब RPM जाएंगे 2000 से ऊपर तो आवाज़ अच्छी खासी ये करने वाला है। तो ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं स्मार्ट वेरिएंट में। कलर की ऑप्शन थोड़ी और होती तो अच्छा लगता है, बट इट्स ओके। काफ़ी लोग इसका बेस वेरिएंट प्रेफर करेंगे और आई थिंक वाइट और रेड की तरफ जाना पसंद करेंगे, व्हील कैप्स लगवा कर, टच स्क्रीन की मॉडिफिकेशन बार से करवा कर इसे फुल फ्लेज बनाया जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी LED लाइट्स तो आती ही हैं। अब कमी तो कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट की होगी, लेकिन फिर प्राइस भी तो कम है ना।
अब ये तो था स्मार्ट वेरिएंट। अब इसी का अगर आप एक ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, बिकॉज वो एक एडिशनल वेरिएंट है जहाँ पर ये टच स्क्रीन है वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फोर स्पीकर सिस्टम भी मिलेगा, शार्क फिन एंटीना, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल फोर पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फंक्शंस जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब ये स्मार्ट प्लस फिर भी एक वेरिएंट अच्छा लगता है, बिकॉज आपको जरूरत की जो ताकि आपको बाहर से मॉडिफिकेशन ना कराने पड़े तो वो वाले फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगेन स्मार्ट प्लस भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल है 5-speed मैनुअल के साथ। स्मार्ट प्लस की जो प्राइस है वो अराउंड 40,000 to 50,000 और हो सकती है, कंसिडरिंग जो स्क्रीन आपको मिल रही है, फोर स्पीकर्स है, शार्क फिन एंटीना, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, चलो स्क्रीन का पार्ट हो गया, ऑल फोर पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। सनरूफ की बात करें तो 20,000 to 25,000 एटलीस्ट आपको और अलग से पे करना पड़ेगा। मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है। अगर आपको चाहिए कोई भी गाड़ी, उसकी डिलीवरी में फंस रहे हो या उसकी बुकिंग करवाना चाहते हो, बेस्ट रेट्स भी चाहिए, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, कोई भी गाड़ी, मैं सिर्फ नेक्सॉन फेसलिफ्ट की बात नहीं कर रहा, और आप हो दिल्ली NCR से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक छोड़ा है जहाँ पर हमारी टीम आपसे फ़ोन पर बात करेगी, आपको सब कुछ बताएगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी, उसकी बुकिंग से लेकर उसकी डिलीवरी तक में आपकी हेल्प करेगी, जल्दी डिलीवरी भी दिलाएगी, और सबसे चीज़ पता है क्या, कोई चार्जेस नहीं है इस चीज़ के। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक ज़रूर करें और अपनी नई गाड़ी जल्दी लाएं। अब आपके पास जो सनरूफ वाला वेरिएंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सनरूफ ही नहीं, कुछ और एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। एक तो सनरूफ आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाती है, वॉइस इनेबल्ड मिल जाती है, यानी कि आप उसको वॉइस कमांड से भी ऑफ ओपन कर सकते हो, और साथ में आपको स्मार्ट प्लस में ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन मिल जाता है अगर आप सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हो, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रूफ रेल्स और नेटेड रूफ लाइनर भी, यानी कि जो ऊपर होती छत होती है हमारी गाड़ी के अंदर से, तो वो आपको नेटेड मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी स्टिचिंग और क्विल्ट थोड़ी सी थिक होती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्कुल बेसिक। तो ये चीज़ें आपको सनरूफ वाले वेरिएंट में मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट प्लस एस। तो कुछ फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो इसकी भी प्राइस आप 30,000 to 40,000 तो मिनिमम लेके चलोगे, ज़्यादा होगी तो बेस वेरिएंट में ही आपको अलग अलग प्राइसिंग मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, है इंजन 5-speed मैनुअल वाला है जो बहुत नॉइज जनरेट करता है, 1.2 6 से एटलीस्ट थोड़ा बचा रहता था, कंपैरेटिवली कम आवाज़ करता था। एनीवेज, ये थी हमारी तरफ से स्मार्ट वेरिएंट के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आप इसका डिटेल्ड वॉकराउंड देखना चाहते हो तो उसके लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कुछ ही दिनों में आपके लिए डिटेल वॉकराउंड, ड्राइव रिव्यूज, कंपैरिजन सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, माइलेज टेस्ट के साथ भी और नए फीचर्स के साथ भी। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और हमारी बाकी वीडियो जरूर देखें जहाँ पर हमने प्योर के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्रिएटिव के बारे में एक्सप्लेन किया कि उसमें कौन से कलर्स आते हैं, कौन से फीचर्स आते हैं और कौन से इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अगर आप डीजल लेने का सोच रहे हो और कम से कम पैसे लगाना चाहते हो तो प्योर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, बट प्योर के बारे में प्योर की वीडियो में पता लगेगा। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द नेक्सॉन फेसलिफ्ट स्मार्ट। उम्मीद है कि आप एक स्मार्ट चॉइस प्ले करेंगे। मैं मिलता हूं आप सब अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।